अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बंगाल की, जहां एक तरफ ममता बनर्जी ने तीसरी बार बंगाल के मुख्यमंत्री के पद की शपथ ली, तो वहीं दूसरी ओर कोलकाता के बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों ने गणतंत्र बचाने की शपथ ली। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें ये शपथ दिलाई। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेती हुई दिखाई दे रही हैं, तो वहीं बीजेपी ऑफिस में बीजेपी विधायकों को गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई जा रही है। ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री का पद संभाल लिया, ये शपथ भी ली। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोरोना का देखते हुए शपथ ग्रहण समारोह बेहद छोटा और सादा रखा गया। यही वजह रही कि ममता बनर्जी के तीसरे शपथ ग्रहण समारोह में चुनिंदा लोग ही मौजूद थे। आज सिर्फ ममता बनर्जी ने ही शपथ ली, बाकी विधायक 6 और 7 मई को एक सादे समारोह में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ममता बनर्जी राज्य सचिवालय पहुंची, जहां उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। এটা হচ্ছে আমার ফার্স্ট প্রায়োরিটি। আমি নবান্ন গিয়ে এই কাজটা ফার্স্ট এক্ষুনি করতে চাই। দুই হচ্ছে যে আমি সবাইকে সব রাজনৈতিক দলের কাছে আবেদন করব যে সবাই শান্তি বজায় রাখুন, শৃঙ্খলা বজায় রাখুন, সংহতি বজায় রাখুন। বাংলা কিন্তু কোনো অশান্তি পছন্দ করে না এবং আমি নিজেও করি না। আমি প্রত্যেককে বলবো প্লিজ টেক প্রপার কেয়ার, যাতে কোনো ভায়োলেন্স কোথাও না হয় এবং কোথাও কোথাও ইলেকশনের পরে কিছু স্পোরাডিক ইনসিডেন্ট হয়। আমি আজ থেকে ল অ্যান্ড অর্ডার ট্যাকেল করব এবং কঠোর হস্তে আমি এগুলো মোকাবিলা করব। এটা আমার সেকেন্ড কাজ। আমি ফিরে গিয়ে আমি যেটা যেটা ল অ্যান্ড অর্ডারের যেখানে যেখানে যাদের পোস্টিং করা সেগুলো করে, যাতে কোনো রকম কোনো অশান্তি কোথাও না হয়। আর যদি কেউ অশান্তি করে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে আমি কিন্তু পেছফা হব না, কারণ আমি শান্তির পক্ষে এটা বলতে চাই। বাদবাকি আপনাদের অনেক ধন্যবাদ। বাংলার মানুষকে সবাইকে হয়তো ইনভাইট করতে পারিনি, মাত্র 50 জন গভর্নর আমার সবার গেস্ট নিয়ে প্রোটোকল অনুযায়ী যেটুকু না করলে নয় সেটুকু করেছি, বাদবাকি প্রেসের সবাই আমন্ত্রিত ছিল। पहली प्रायोरिटी कोविड और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर, ये वादा किया ममता बनर्जी ने और आश्वासन दिया कि अब जो है इस तरह का माहौल नहीं होगा, हिंसा का माहौल नहीं होगा और वो कड़ी कार्रवाई करेंगी। लेकिन वहीं बंगाल के मुख्यमंत्री की तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ममता बनर्जी को बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर ममता दीदी को बधाई। ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की तीसरी बार शपथ लेने के बाद उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में लगातार तीसरी बार शपथ लेने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। बंगाल उनकी ऐतिहासिक जीत की तरह उनके ओजस्वी नेतृत्व में अमन, चैन और तरक्की के भी नए मानक निर्मित करे, यही कामना है। आशिका सिंह और अमित पांडे हमारे साथ लाइव हैं। आशिका, बताइए कोलकाता में फिलहाल माहौल क्या है? क्या हिंसा का जो ये दौर था पिछले 48 घंटों में वो थोड़ा थमा है? क्योंकि ममता बनर्जी ने सबको कहा है कि आप हाथ पीछे खींचिए, वायलेंस को मैं कोई जगह नहीं दूंगी, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो उस पर मैं ठीक से कंट्रोल रखूंगी और जहां जहां इस ऐसी वारदातें हुई हैं उन एरियाज का मैं निरीक्षण भी करूंगी, मैं दौरे पर निकलूंगी। बिल्कुल, मैं ये तो ज़रूर कहूँगी आनंद कि पिछले जो 2 दिन से आंकड़े आ रहे थे या जो घटनाएं सामने आ रही थी, आज उसमें कुछ कमी तो ज़रूर आई है। और ममता बनर्जी ने भी बिल्कुल कड़ा संदेश दिया है शपथ लेते ही कि कानून व्यवस्था ठीक करूँगी। एक टर्म जो उन्होंने कहा कि पोस्टिंग्स देखूंगी, तो जैसे आरोप लगाती रही हैं चुनाव आयोग के ऊपर पहले कि चुनाव आयोग के कहने पर पोस्टिंग्स जो हुई हैं वो बीजेपी के कहने पर अधिकारी चलते हैं, तो ये भी देखने को मिलेगा कि बड़े स्तर पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी की जाएगी अधिकारियों की, लेकिन क्या ठोस कदम उठाए जाते हैं ये देखना है। अभी तक पिछले 2 दिनों से जब से ये घटनाएं हो रही हैं कोई विशेष कदम पुलिस की तरफ से नहीं उठाया गया है, ये कहना गलत नहीं होगा। और यही आरोप बीजेपी भी लगा रही है। अब क्या कदम उठाया जाता है प्रशासन की तरफ से, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा है कि कड़े हाथ से वो
इसको संभालेंगी, तो क्या कदम उठाए जाते हैं प्रशासन की तरफ से, ये देखना। सबसे बड़ी बात है उन्होंने कहा सभी पार्टियों से, सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध है, पर खुद के सबसे ज्यादा तो आरोप तृणमूल कांग्रेस के कार्डर पर लग रहे हैं अमित पांडे। बताइए अमित, क्या सेंटर इसका इसकी समीक्षा ले रहा है, क्योंकि सेंटर के पास ये पावर्स हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेस के लिए वो आईपीएस ऑफिसर्स और बाकी जो ऑफिसर्स हैं उन पर वो कार्रवाई करे। देखिए, बेहद गंभीर तरीके से केंद्र सरकार ने इस पूरी की पूरी घटनाओं को लिया है जो पिछले दो दिनों के दौरान आई हैं। करीब 5 जिलों में 1 दर्जन से ज्यादा हत्या की और इसके अलावा महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं सामने आई हैं। गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है पश्चिम बंगाल सरकार से, एक और कि उनके संबंधित जो अधिकारी हैं वो जवाब दें कि आखिरकार क्यों उनके राज्य में इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी ओर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन यानी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी फैक्ट फाइंडिंग टीम वहां पर भेजने का ऐलान किया है। और अभी तक सूत्रों के मुताबिक पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को जवाब नहीं मिला है आखिरकार उनके यहाँ क्यों कानून व्यवस्था की स्थिति उस वक्त पिछले दो दिनों के दौरान इस तरीके से बिगड़ी है। तो इसका इंतजार है केंद्र सरकार को और अब ये देखते हैं कि क्या जवाब देती है, उसी के मुताबिक आगे की कार्रवाई केंद्र सरकार करेगी। जी यार, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ये वो त्रिशंकु वाला मोमेंट है जहां हर कोई कहेगा कि मेरे पास तो कंट्रोल है नहीं। ममता बनर्जी कहेंगी मैं तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे चुकी थी और अब तक मैंने शपथ ग्रहण नहीं किया। चुनाव आयोग कहेगा चुनाव खत्म हो गए हैं, अब हमने तो लेटर लिख दिए, उसके बाद प्रशासन की बात है। प्रशासन पर कंट्रोल किसका है और जिम्मेदारी किस पर आकर रुकती है, किस पर जाकर जिम्मेदारी की जो सुई है ये किस पर आकर रुकती है, ये देखना जरूरी है। आशिका और अमित बने रहिए मेरे साथ। वहां जिस वक्त ममता बनर्जी ने बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर तीसरी बार शपथ ली, उसी दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चुनाव में जीते हुए बीजेपी विधायकों को बंगाल में गणतंत्र बचाने की शपथ दिलाई। इस दौरान वहां कैलाश विजयवर्गीय, शुभेंदु अधिकारी और दिलीप घोष समेत कई नेता मौजूद दिखाई दिए। बंगाल की विधानसभा में जो जिम्मेवारी हमको दी गई है विपक्ष की भूमिका की, वह विपक्ष की भूमिका हम सब लोग एक अच्छे बंगाल के कार्यकर्ता के रूप में और भारत के नागरिक के रूप में हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे और इस बात के लिए हम शपथ लेंगे कि जो बंगाल में हमें जनादेश मिला उसको स्वीकार करते हुए, सहज स्वीकार करते हुए जो जिम्मेवारी हमें मिली है उसको हम निभाएंगे, एक प्रखर और प्रमुख भूमिका विपक्ष की निभाएंगे। जेपी नड्डा विधायकों से ये कहते हुए कि जो भूमिका विपक्ष की है वो पूरे प्रखर तरीके से हमें निभाना है। आशिका, लेकिन क्या विपक्ष का लीडर ऑपोजिशन चुन लिया गया है, क्योंकि विपक्ष में तो सिर्फ बीजेपी है, बाकी तो और कोई है नहीं, तो बीजेपी में से कौन निकल कर आएगा जो कि बीजेपी की कमान, उसका मोर्चा संभालेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी सदन में तो होगी ही, साथ ही दिलीप घोष जैसे पार्टी के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ संगठन को मजबूत करने की भी होगी। बिल्कुल, इसी वजह से इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए ये जो विधायकों का शपथ ग्रहण का कार्यक्रम था उसके बाद करीब करीब आधे घंटे से 40 मिनट का समय जो पार्टी के नेता हैं उनके साथ बिताया जेपी नड्डा ने और वहीं पर बीजेपी के ऑफिस में बैठकर एक बैठक की। संभव है कि इस विषय पर भी चर्चा हुई होगी, आज शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है। देखना यह है कि क्या बीजेपी की तरफ से घोषणा होती है और आज नहीं होती है तो कब होती है। जो नाम सामने आ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी के, चांसेस हैं कि कहीं ना कहीं उनको ऑपोजिशन लीडर, क्योंकि नंदीग्राम जो कि ये कह सकते हैं कि पूरा बंगाल एक तरफ, नंदीग्राम एक तरफ, नंदीग्राम की जीत दिलाने वाले शुभेंदु को क्या इस वक्त ये लाइव तस्वीर है। आशिका, मैं जरा इस पर जाना चाहूंगा, जेपी नड्डा जो है वो पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं जिनके परिवारों पर हमले हुए हैं और जिन्होंने अपने किसी परिजन को गवाया है इस तरह की हिंसा में जो हमने पिछले 48-72 घंटों में देखा है। हमारी दीदी बोलती है, हमारी दीदी बोलता है कि कौन है आपकी छोटी दीदी, हमारे दीदी है, मतलब कौन है, तो फिर पीटा मारता है, तो
उनके माथे माथे दरोजा भोकोल डाला, छोड़ने के बाद ये जब निकला तो इसे माथा फूक दिया, जब इसको खून निकल गया हम बाहर निकला, जब तुम लोग गाय मार रहा है पत्थर मार के माथा फोड़ दिया, हमारे ये दोनों बच्चा तड़प रहे थे, काका फरमा कर माफ कर दीजिए हम लोगों को, हम लोग खुश नहीं करेंगे, खुश नहीं रहेंगे, बहुत रो रहे थे इन लोगों को रोना, और हम बाहर निकला, बाहर निकल के हम बोला भाई तुम लोगों का अगर मरना है तो हमको मारो, हम किसी को कोई बुरा काम नहीं किया है, तो जब बाहर निकला हमको मारा है तो इन लोग हमको छोड़ के लेके घर में घुसा दिया, उसी टाइम हमारा माँ आया है, माँ को मारा है, हमारे ये भैया का बड़ा भैया का लड़की है इसको कमी जमच पूरा फोड़ डाला, हमारा दो भाई को बांस से मारा है, दोनों भाई को हमारे परिवार को सबको मार दिया, और हमारा माई गुजर गया, हॉस्पिटल ले गया, लेके ट्रांसफर किया ऐसे ही क्या बोलते हैं कल्याणी में, रात भर रविवार था, सुबह आया, आज आने के बाद हमारा भांजा है, हमारे भांजी को भेजा है देखा तरफ कैसा है, हम लोग तो रात भर रविवार था क्या कहते मर गया, कल हम लोग 12:30 बजे तक अंतिम संस्कार करके घर में आए, हम लोग अभी तक बहुत टेंशन में है, आप लोग जाने के बाद ना जाने के लिए क्या कर जाएगा, ऐसे कुछ प्रोडक्शन मिला चला जाएगा, चिंता नहीं करनी, मैं आया हूँ, हमेशा मेरा फोन नंबर आप रखो अपने पास, और हम आपके साथ पूरी लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम मोड़ तक लड़ेंगे, ये जो ममता जी की ये गुंडागर्दी है ना, इसको प्रजातांत्रिक तरीके से हम हटा कर, ये बंगाली मानुष की रक्षा है, ये बंगाल की सभ्यता है, आप बताओ बंगाल की माँ आपकी माता जी और बोलती है बंगाल की बेटी है, चिंता मत करिए आप हमारे साथ, कॉर्बन तुम चिंता करो, हमारा माँ भक्त है शहीद हो गया, हम सब उनके चिंता करो ना, देख लीजिए आप ममता जी का, ममता जी की गुंडागर्दी देखिए, ये ममता जी के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने शोभा जी के साथ जो किया है वो बताता है कि आम आदमी की चीख पुकार का ध्यान उन्होंने क्या रखा है और कितना रखा है, वो बंगाल की सत्ता पर बंगाल के लोगों को रक्त रंजित करके शासन में बैठने की योजना और शासन में बैठ करके रक्त रंजित बंगाल बनाने की योजना, भारतीय जनता पार्टी इसकी निंदा करती है, भर्त्सना करती है, आपने अभी सुना लोगों को शोभा मंत्री जी के परिवार के, हमारे उनके कमल जी, उनके बेटे, उनके बड़े बड़े बेटे, बहू, सबको उन्होंने मारा, बेटी को मारा, बच्चों को मारा, इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके की घटनाएं यह निंदनीय है, और भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ता शोभा जी के परिवार के साथ, कमल जी के परिवार के साथ खड़ी है, हमने इनको कहा है कि सुरक्षा और सबको सम्मान के साथ जीने का अधिकार है, आपका ये अधिकार हम स्थापित करके रहेंगे। नेता जी, हम लोग चुनाव से नाम ले रहे, शोभा जी का कहानी सुना, वो एक माता था, मोबाइल चुनाव के पहले जनता में एक सवरानी जी और एक सवरानी जी, क्या बोलेंगे, दुखदाई बात है, यही तो मैं बोल रहा हूँ, चुनाव के पहले भी मैंने कहा तानाशाही, तुष्टीकरण, तोलाबाजी, और यही आज जैसे ही उनको सत्ता मिलने की नौबत आई, उससे पहले शाम ढलते ढलते ये घटना घट गई है, ये बताता है ममता जी के पार्टी का चरित्र, और प्रजातांत्रिक तरीके से इस
राजनीतिक हिंसा को नस्तो नाबूद करने के लिए हम कृत संकल्प। उन्होंने आज कड़ा पदक्षेप लेने के लिए बुलाया है। उत्तर 24 परगना में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, जहां पर पीड़ित परिवारों से वो मिले बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके घरों पर हमला हुआ। आशिका सिंह हमारे साथ लाइव है। आशिका, कल आप इन्हीं से मिलने गई थी और इन्होंने जिस तरह से बखान किया है, उन्होंने कहा है कि उनके पूरे परिवार को पत्थरों से ईंटों से मारा गया और उनमें जो है एक वृद्ध महिला का की मृत्यु भी हो गई। अस्पताल पहुंचाते पहुंचाते उनकी वहां मृत्यु हो गई क्योंकि पत्थर इतने मारे गए। उनके घर पर तोड़फोड़ की गई और महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार भी किया गया। ये एक नहीं, अनेक ऐसी कहानियां हैं। कल मैं दक्षिण 24 परगना गई थी, वहां पर जितनी महिलाएं थी, जितने परिवार थे, वो ये इस चिंता में थे कि आज तो मीडिया से बात कर रहे हैं, कल का सूरज देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। तो डर के माहौल में जो पुरुष सदस्य हैं वो जगह जगह से घरों को छोड़ करके भाग गए हैं और महिलाएं बच्चों के साथ रह रही हैं, वो डर के साए में जी रही हैं। और यही नहीं, आरोप ये लग रहे हैं, खबरें जगह जगह से आ रही हैं कि कई परिवार जो है वो पलायन करने पर मजबूर हुए हैं। तो आनंद, बंगाल की तस्वीर क्या बदलेगी? जो हिंसा का दौर चुनाव के पहले से चल रहा था, अब जब तीसरी बार शपथ ग्रहण किया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने, तो क्या कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? क्या ठोस कदम बदलेगी बंगाल? जिस तरफ से इशारा है, इशारा ऐसा ही है, ऐसा लग रहा है कि ठोस कदम ऐसे उठाए जाएंगे कि तृणमूल कांग्रेस के किसी भी कार्डर को कोई आंच नहीं आएगी, लेकिन विपक्ष का या कोई भी दूसरी पार्टी का होगा, उसके ऊपर जिस तरह का ये मौत का तांडव नाच हुआ है, वो शायद वो सिलसिला जारी रहेगा। क्या कार्रवाई सख्त होगी, क्योंकि कैमरा में कैद है जो तृणमूल कांग्रेस के कार्डर निकल कर आए, सबकी शिनाख्त हो सकती है, सबकी पहचान हो सकती है। क्या एक एक को चुन चुन कर सजा दी जाएगी इस तरह की बर्बरता के लिए? ये सवाल उठता है। आशिका, अमित बने रहिए। वहीं ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद वहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखर ने राज्य में हो रही हिंसा को रोकने के लिए और उसके साथ साथ कई और मुद्दों पर सलाह भी दी। I congratulate Chief Minister Mamata Bandyopadhyay for her third term. I express hope and expectation that governance will be according to constitution and rule of law. India is a great democracy where power emanates from process of law. We are at the moment in a very difficult crisis. I am getting reports from within and outside the country. People are worried. I have been in touch with the Honorable Chief Minister. She has taken steps when I indicated to her. Our first priority is we must bring end to this senseless violence. Mera hamla kisi par nahi hai. मेरी एक विनती है, लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते, रेट्रीब्यूटिव वायलेंस को परमिट नहीं कर सकते, आगजनी को बढ़ावा नहीं दे सकते, औरतों के साथ बलात्कार को परमिट नहीं कर सकते, बच्चों के साथ हिंसा बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या प्रमोट करते हैं इसको? वहीं ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर से उन पर जोरदार हमला बोला। मेरे साथ इस समय कैलाश विजय वर्गीय मौजूद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं। ममता बनर्जी ने अपने जो पहला संबोधन है उसमें कहा है कि कानून व्यवस्था को लेकर के कड़े कदम उठाएंगी। देखिए, दो तीन दिन के अंदर वो एक्टिंग चीफ मिनिस्टर थे, जिस तरीके से उन्होंने अराजकता फैलवाई, अब वो अगर वास्तव में दिल से अगर कुछ को नियंत्रण करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उनके संरक्षण में ही सब हो रहा है, ममता जी के संरक्षण में ही हिंसा हुई है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से 10,000 से ज़्यादा घरों को उजाड़ दिया है, 60,000 से ज़्यादा लोग बेघरबार हो गए हैं और आज भी सुबह सीवड़ी के अंदर बमबाजी हुई, हमारे महामंत्री अभी घायल, फोटो आया है उनका, अभी भी बमबाजी गांव में चल रही है। पूरे लुंगीधारी लोग पूरे प्रदेश में ममता जी के संरक्षण में अराजकता फैला रहे हैं। वहीं ममता बनर्जी के तीसरी बार मुख्यमंत्री के शपथ लेने के बाद बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा
कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में ममता बनर्जी का शपथ ग्रहण नंदीग्राम में उनकी व्यक्तिगत हार से ही नहीं बल्कि उन लाखों बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के खून से भी भर गया है जो तृणमूल कांग्रेस की प्रतिशोधक हिंसा के अंत में थे। बंगाल एक काले युग से का सामना कर रहा है, ऐसा लिखा है अमित मालवीय ने। वहीं नंदीग्राम से बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद बंगाल में शुरू हुई हिंसा को लेकर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। शुभेंदु अधिकारी द विनर फ्रॉम नंदीग्राम जॉइंस अस। शुभेंदु दा, जिस तरह से वायलेंस, यू नो द वे इन व्हिच वी आर सीइंग वायलेंस पैनिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ बंगाल, इज दिस अ खेला ओवर द ममता बनर्जी वाज स्पीकिंग अबाउट? सीजीएस ने धारा को ऑलरेडी अप्रोक्स 1 लाख पीपल दे लेफ्ट देयर हाउसेस। Huge vandalism going on in every places in Bengal, especially Hindus are suffered. More than 20 people died, and hundreds of women brutally raped by the goons. But Mamata is saying that these are old visuals and the BJP is doing khela in the name of vandalism. No, I am not saying anything in question of this statement, but central government should intervene and please protect Bengalis. शुभेंदु अधिकारी का दावा है कि कम से कम 1 लाख लोग अपने घरों से पलायन कर चुके हैं डर की वजह से, क्योंकि इस तरह की हिंसा, इस तरह की बर्बरता देखने को मिली है समस्त समुचय बंगाल में। उनका कहना है कि सेंटर को इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है और एक्शन मोड में आने की जरूरत है। आज तो खबर यह है कि बीएसएफ के जवानों के घर पर भी हमला हुआ है। वहीं कोलकाता में बीजेपी के ऑफिस के सामने पार्टी के कार्यकर्ता मंच पर धरना दे रहे हैं। धरने की वजह है कि लोग और धरने की वजह से वहां लोगों की भीड़ लगी है। इससे पहले बीजेपी ने आरोप लगाया था कि सुबह में पुलिस ने इस मंच को तोड़ दिया था। बताया गया कि बीजेपी ने गांधी मूर्ति के सामने धरना देने की इजाजत मांगी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से मंजूरी नहीं मिली। इसके बाद बीजेपी ऑफिस के सामने धरना कार्यक्रम रखा गया, लेकिन सुबह 9:30 बजे धरना देने के लिए बनाए गए मंच को पुलिस ने तोड़ दिया था। सारा देश में बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन है। हम भी कलकत्ता में गांधी स्टैचू के नीचे करने वाले थे, पुलिस परमिशन नहीं दिया। हमारा जो पुराना कार्यालय 6 नंबर मुरलीधर सेन स्ट्रीट, उसके सामने हमेशा प्रोग्राम होता है श्याम प्रसाद मूर्ति के सामने, वहाँ छोटा सा डायस लगा था, उसको भी तोड़ दिया रात को। आज नवनिर्वाचित विधायकों का बैठक हमारे यहाँ हेस्टिंग्स चुनाव कार्यालय में है और उसके बाद हम देखेंगे धरना कहाँ करते हैं। राजनीतिक हिंसा को लेकर के बीजेपी का आज धरना कोलकाता के मुरलीधर सेन स्ट्रीट पर बीजेपी के कार्यालय के पास ही मंच बना करके धरना दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से आरोप ये लग रहे थे कि गांधी मूर्ति पर यह धरना करने के लिए जब परमिशन मांगी तो पुलिस ने परमिशन नहीं दी, जिसके बाद यहां पर मंच जो बनाया गया था रात को, पहले उसे पुलिस ने तोड़ दिया, ऐसा आरोप बीजेपी की तरफ से लग रहा है। और अब ये धरना यहाँ पर शुरू हुआ है जिसमें जो पश्चिम बंगाल बीजेपी के नेता है वो सभी यहाँ जो ये सख्त गली होने की वजह से यहाँ पर आपको नजर प्रोटोकॉल के तहत और मंच पर भी जो नेता बैठे हैं वो तो ये कोलकाता से। और राजनीतिक हिंसा को लेकर के बीजेपी लगातार आंदोलन कर रही है और इसी को लेकर के आज जेपी नड्डा ने जो नवनिर्वाचित विधायक शपथ भी दिलाई है। वीर जर्नलिस्ट आशीष भाई के साथ आशिका सिंह, न्यूज 18 इंडिया, कोलकाता। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ मुंबई में बीजेपी ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा पर फौरन लगाम लगाने की अपील भी की। पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ महाराष्ट्र बीजेपी आज जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। ये
महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सारे नेता और पदाधिकारी अपने हाथों में तख्तियां लेकर, रक्त रंजित बंगाल की तख्तियां लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं और पश्चिम बंगाल सरकार का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से वहां पर हत्याएं हो रही हैं और खासकर बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हत्याएं हो रही हैं, उसके खिलाफ पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां पर अलग अलग जगहों पर नेता इस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर महाराष्ट्र बीजेपी मुख्यालय के बाहर की तस्वीरें आप देखें, जहां पर तमाम सारे नेता प्रदर्शन कर रहे हैं और महाराष्ट्र बीजेपी के लोग पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उनका निषेध कर रहे हैं। कैमरामैन दिग्विजय के साथ अभिषेक पांडे, मुंबई, न्यूज 18 इंडिया। वहीं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में के बैरकपुर इलाके में राज विश्वास नाम के एक बीजेपी कार्यकर्ता के घर पर कुछ लोगों ने बमों से हमला बोल दिया। बंगाल बीजेपी ने इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया, जिसमें कई लोग घर पर बमबाजी करते हुए दिखाई भी दिए। हमले का आरोप एक बार फिर से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लगा है। वहीं इस घटना के बाद से इलाके में काफी तनाव है। अखाड़ा में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। भारत और अमेरिका दोनों देश कोरोना से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित है और इस संकट से दोनों देश मिलकर लड़ रहे हैं। इसी संकट पर हमने अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू से बात की। हमारे साथ हैं अभी इंडियाज एम्बेसडर टू द यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू, जो कि बहुत मेहनत कर रहे हैं, बैकएंड में बहुत इनका रोल रहा है। जिस तरह से सपोर्ट अमेरिका को भारत को मिला है, मदद मिली है। एम्बेसडर साहब नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। मेरा पहला प्रश्न यही है कि आप लगे हुए हैं, फोरफ्रंट में हैं, सबसे आगे आपके एंगेजमेंट्स हैं, जरा बताएंगे कि बैकएंड में किस तरह की बातचीत चली है, किस तरह का काम हुआ है, ये जो अभी सपोर्ट मिल रहा है दुनिया से, खासकर अमेरिका से भारत को इस मुसीबत के वक्त में, किस तरह की बातचीत हुई? देखिए आनंद, ये एक अनप्रेसिडेंटेड पेंडेमिक है और इसका फ्यूचर दुनिया भर में अनसर्टन और कॉम्प्लेक्स है। दुनिया भर में कहीं ऊपर जाता है, नीचे जाता है, और इस टाइम पे इंडिया यूएस पार्टनरशिप को टैप करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारी जो सरकार की और लोगों की एफर्ट्स चल रही हैं पेंडेमिक को कंट्रोल करने में, उसमें अमेरिका बहुत स्ट्रांगली सप्लीमेंट कर सकता है। क्योंकि आपको ये याद रखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो सबसे एडवांस्ड देश है ग्लोबली मेडिकल और टेक्नोलॉजी की स्ट्रेंथ में, और उनकी पार्टनरशिप हमारे साथ हेल्थ केयर में, फार्मा में, S&T में और R&D में बहुत स्ट्रांग है। तो ये स्पेशली क्रिटिकल मेडिसिन में खास तौर पे, तो इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हम जो एंगेज कर रहे हैं उसका बहुत लाभ है और उसकी जल्दी क्विक सप्लाईज आई, इनपुट्स और कंपोनेंट्स जो क्रिटिकल हमारे वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए हैं वो फटाफट पहुंचे, और कई मेडिकल इक्विपमेंट जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर्स ऑलरेडी आपको पता है 5 फ्लाइट्स पहुंच गई हैं। हमने यहाँ पे जो यहाँ के की अधिकारी हैं व्हाइट हाउस में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में, स्टेट डिपार्टमेंट में और यूएस कांग्रेस और खास तौर पे प्राइवेट सेक्टर और वेरियस अदर स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ फटाफट रास्ता कायम किया। और द फैक्ट ये 5 फ्लाइट्स, और आपको पता है कि ये बड़े बड़े एयरक्राफ्ट हैं, इसकी फोटोज भी आई हैं, ये ऑलरेडी वहां पहुंच गई हैं, और ये सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट असिस्टेंस है, प्राइवेट सेक्टर सेपरेटली आ रहा है, इंडियन कम्युनिटी भी भेज रही है और अमेरिकन लोग भी जो हैं वो आगे आ रहे हैं हिंदुस्तान के लोगों के साथ खड़े होने के। अम्बेसडर साहब, मैं जानना चाहूंगा किस तरह की मदद, किस पर एग्रीमेंट्स हुए हैं और किस किस तरह की मदद अमेरिका से अब हमें मिलने की उम्मीद है, खासकर वैक्सीन पर भी मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए अभी जो हमारी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उस सब में ऑक्सीजन सिलेंडर्स भेजे हैं इन्होंने, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भेजे हैं, रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट वाले भेजे हैं, देन क्रिटिकल मेडिसिन जैसे रेमडेसिविर है
वो सप्लाई करी है। एस्ट्राजेनेका मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे होती है उसके लिए जो क्रिटिकल सप्लाईज हैं वो सप्लाई चेन में इन्होंने प्रॉमिस किया और उसको भेज रहे हैं। हमारी सीरम इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्टैक्ट है, उनके जो यहाँ सप्लायर्स हैं उनसे हमने बात करी है एंड उसके ऊपर टेक्निकल पार्टनरशिप जो हमारी एक दूसरे के सर्वेलेंस के लिए, एक दूसरे की बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लिए, इन्फेक्शन प्रिवेंशन कंट्रोल के लिए डॉक्टर फौची के साथ मैं खुद बात करी है, तो इस तरह की जो भी हमारी मदद कर सकते हैं ये कर रहे हैं। मेरा आखिरी सवाल आपसे अम्बेसडर साहब कि भारत और अमेरिका के बीच के संबंध कैसे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच फोन पर भी वार्ता हुई, ये आपस में मिले भी हैं हाल फिलहाल में क्वाड की मीटिंग में, तो भारत यूएस संबंध कैसे हैं, इन दोनों नेताओं के बीच के संबंध कैसे हैं, थोड़ा बताइए। देखिए सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत और अमेरिका में बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये जो पीपल टू पीपल रिलेशनशिप है बहुत इम्पॉर्टेंट है और आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ पे कम से कम 4 मिलियन इंडियन अमेरिकन्स हैं और यहाँ की वो टॉप एलीट हैं, वेदर मेडिकल प्रोफेशन में। आज कोई भी टेलीविजन सेट आप यहाँ ऑन कर लीजिए, कोई इंडियन अमेरिकन डॉक्टर बोल रहा होगा कोविड के बारे में, तो यहाँ एक हिंदुस्तानियों के बारे में एक बड़ी एप्रिसिएशन, एक बड़ी पॉजिटिविटी है। जो भी राष्ट्रपति अमरीका का इंडिया गया है वो इंडिया में बहुत उसको पॉजिटिव रिसेप्शन मिली है, तो ये लोग यहाँ ये चीज को याद रखते हैं। एज फार एज एडमिनिस्ट्रेशन और हमारी सरकार का रिश्ता है, आपको याद है प्रेसिडेंट बाइडेन पहले 90s में ये सेनेटर थे और सेनेट फॉरेन रिलेशन कमेटी के चेयरमैन थे, उस टाइम पे ये काफी प्रो इंडिया रहे हैं। इलेक्शन कैंपेन में भी 15 अगस्त को इन्होंने एड्रेस किया था इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी को, बहुत पॉजिटिवली बोले थे। अक्टूबर में भी फिर इन्होंने ऑपेड लिखा था, उसमें भी पॉजिटिवली बोले थे। प्रधानमंत्री जी के साथ इनके अच्छे रिलेशनशिप रहे हैं। आप 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर मोदी फर्स्ट टाइम आए थे, फिर 2016 में जब उन्होंने यहाँ की कांग्रेस को एड्रेस किया था तब इन्होंने वहां प्रेसाइड किया था, और ये रिलेशनशिप इस टाइम पे 3 फोन कॉल्स सेपरेटली पहले 100 डेज में इन दोनों नेताओं में हुई हैं। और इन एडिशन जो आपने मेंशन किया, 2 समिट्स हुई हैं ऑलरेडी, इसमें से एक क्लाइमेट चेंज की थी और एक क्वाड की समिट थी, और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़ी क्लियरली, आपने टेलीविजन में भी देखा है, उन्होंने फ्रंट में आके अपनी सॉलिडारिटी और सपोर्ट हिंदुस्तान के लोगों के साथ और हिंदुस्तान के साथ यूनाइटेड स्टेट्स की कमिटमेंट उन्होंने एक्सप्रेस करी है। और ये कमिटमेंट जैसे मैंने आपको कहा है कि सप्लाई चेन, रॉ मटेरियल्स, ऑक्सीजन, मेडिसिन जो कोविड के रिलेटेड हैं, स्पेशली रेमडेसिविर, ये सब चीज़ों में यूएसए ने ऑलरेडी 5 प्लेन्स पहुंच गए हैं और बाकी के आ रहे हैं। और एक और एरिया मैं बताना चाहता हूँ, वो यूएस कांग्रेस का है। देखिए यूएस कांग्रेस के साथ भी हमारी दोनों पार्टियों में दैट इज बाईपार्टीजन सपोर्ट रही है। कम से कम 150 कांग्रेस के मेंबर्स जिन्होंने मेरे से बात करी है, सब ने बहुत स्ट्रांग सपोर्ट हमारे लोगों को एक्सप्रेस करी है। और यहाँ के गवर्नर्स से भी मेरे को कॉल आई है, वो भी इस चीज में बड़े क्लियर हैं कि हिंदुस्तान को इस टाइम पे जब इंडिया को जरूरत है, यूनाइटेड स्टेट्स इंडिया के साथ, जो राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद कहा है, शोल्डर टू शोल्डर खड़े होंगे, और वो एविडेंस ऑलरेडी दिख रहा है, आगे के दिनों में और दिखेगा, जो जो हमें सपोर्ट चाहिए वो आएगी। और लास्ट चीज मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ की यूएस इंडस्ट्री है, वेदर फाइजर, वॉलमार्ट, फेडेक्स, डेल, यूनाइटेड, जो भी सप्लाई चेन वाले हैं, थॉमस फिशर एक्सेट्रा, जो इनकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, इन सब ने, फॉर एग्जाम्पल गिलियड ने 450,000 डोजेस ऑफ रेमडेसिविर सप्लाई करी है, इनकी सरकार ने ऑलरेडी 1.25 लाख डोजेस सप्लाई करी है। तो इनकी टॉप कंपनीज वेदर डेलॉयट, मास्टर कार्ड, वॉलमार्ट, फेसबुक, ये सब आउट ऑफ द वे जाके इंडिया को इस टाइम पे सपोर्ट करना, ये देख रहे हैं कि इस टाइम पे इंडिया पे प्रेशर है और हम हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं।
ये थे एम्बेसडर तरनजीत सिंह संधू, जिन्होंने बहुत खुलकर बात की और कहा कि अमेरिका और भारत दोनों साथ मिलकर लड़ रहे हैं ये लड़ाई। अब कोरोना से लड़ाई में जब अमेरिका मुश्किलों से जूझ रहा था, तब भारत ने उसका पूरा साथ दिया था, और अब भारत में कोरोना का संकट गहरा है तो अमेरिका मदद का हाथ आगे बढ़ा रहा है। इस मुश्किल वक्त में दुनिया के दो दिग्गज नेता, दो सबसे बड़े लोकतंत्र, कंधे से कंधा मिलाकर कोरोना का सामना कर रहे हैं। दोनों देशों के बीच कोरोना के मुद्दे पर क्या कुछ चल रहा है और कैसे दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, इन्हीं मुद्दों पर मैंने अमरीकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तरार से भी बात की। जेड तरार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जेड, सबसे पहले धन्यवाद थोड़ा समय निकालकर हमसे बात करने के लिए। जी अनंत साहब, धन्यवाद बहुत बहुत जी। जेड, एक बात बताइए, अभी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो है सुब्रमण्यम जयशंकर, उनकी मुलाकात टोनी ब्लिंकन से हुई है। भारत और यूएस के बीच में काफी सारी बातचीत हो रही है कोविड काल में हेल्प को लेकर, थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि क्या क्या फैसले लिए गए हैं, इन मीटिंग्स में क्या हुआ है? देखिए, पहली बात तो यह है कि फैसले में के बारे में इतना डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये जो मीटिंग हुई है अभी लंदन में G7 के मार्जिन पर, ये अगर हम थोड़ा फासला से इसको देखें तो हमें क्या नज़र आ रहा है इस वक्त, वो ये है कि अमरीका और इंडिया साथ मिलकर जितने भी वैश्विक समस्याएं हैं जो हमने सामना करना है एक पूरे ग्लोबल कम्युनिटी के हिसाब से, वो हम मिलके कर रहे हैं, जिनमें शामिल जाहिर बात है, और ये हमारे रीड आउट में भी है, आप खुद भी देख सकते हैं बिल्कुल, कि पहली बात तो ये है कि COVID-19 का सामना करना, उसका काबू में लाना, और जो कि इंतहाई परेशान कुन वाली बात है जो हम सूरत हाल हम इस वक्त इंडिया में देख रहे हैं, और इसीलिए हम जितना भी हम मदद दे सकते हैं इस वक्त इंडिया को, वो हम जो भी मुमकिन है वो हम दे रहे हैं। तो बिल्कुल उनकी बात यही इन पर जयशंकर साथ भी हुई है, ब्लिंकिन सेक्रेटरी, हमारे सेक्रेटरी ब्लिंकिन से, और बाकी जो वैश्विक समस्याएं हैं जो कि हमने खुद मिलकर उनका सामना करना है, वो जाहिरी बात है क्लाइमेट चेंज है, और इंडो पैसिफिक को एक खुला और मुक्त रीजन को यकीनी बनाने के लिए। पर जेड, मैं आपसे जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमेरिका ने थोड़ा समय लिया भारत के कॉल को और भारत को की तरफ मदद का हाथ बढ़ाने में, थोड़ा सा समय लिया, ये क्या सही है ये धारणा, और अगर है तो फिर क्यों ये समय लगा? लोगों को लगा एक 15-20 दिन जो है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक चुप्पी थी और फिर उसके बाद वो हरकत में आए। मैं पहली बात तो ये कि मैं ये कहूँगा कि इस वक्त हम $100 मिलियन के करीब मदद दे रहे हैं इंडिया को, और जहाँ तक जो हमारी रिएक्शन टाइम है, अगर वो अगर हम उसको ज़रा करीब से देखें तो मैं ये कहूँगा कि ये एक ऐसा सिचुएशन है जो कि बिल्कुल ये इवॉल्विंग सिचुएशन था, यानी कि अगर आपने सामान किसी एक देश, अब ये मैं सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं कह रहा, लेकिन जब भी आप कोई भी ऐसा डिज़ास्टर को देख रहे हैं या कोई भी ऐसा इमरजेंसी आप देख रहे हैं, तो वहाँ तक मदद और जितने भी सप्लाईज है पहुँचाना, वो उसमें टाइम तो लगता है, और जहाँ तक हमारी मैसेजिंग है वो शायद हम बेहतर कर सकते हैं कि शुरू में हम शायद जैसे मैंने आपसे एक मिसाल के तौर पर नहीं बैठकर इसको डिटेल में या कई दिन पहले, तो यहाँ मैं ज़रूर क्रिटिसिज्म ले सकता हूँ कि शायद हम मुझे पहले आना चाहिए था यहाँ पे। हाँ, थोड़ा पहले आकर बता देते तो शायद थोड़ा एक आश्वासन और एक कहते हैं ना रीअश्योरेंस हो जाता कि देखिए काम हो रहा है, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन वैक्सीन को लेकर एक चिंता है कि भाई आपने रॉ मटेरियल्स को एक्सपोर्ट करने का ब्लॉक क्यों किया? सबका कहना है कि वैक्सीन, कहा कि भारत को आइडेंटिफाई किया गया क्वाड मीटिंग में कि वैक्सीन हब आप होंगे, मैन्युफैक्चरिंग आप करेंगे और मदद बाकी देश करेंगे, और अमेरिका ने रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट को ही ब्लॉक कर दिया। पहली बात तो यह है कि मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहूँगा कि सदर बाइडेन, अब आप जानते होंगे यानी राष्ट्रपति बाइडेन, कई दिन पहले उन्होंने काफ़ी साफ वर्ड्स में उन्होंने कहा है कि जो भी अमेरिका कर सकता है इस पूरी दुनिया के लिए हम करेंगे, ताकि हम इस वैश्विक समस्या, इस महामारी को ख़त्म कर सकें। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति बाइडेन का ये कहना है कि अगर हमने पूरे विश्व में इस महामारी को ख़त्म नहीं किया तो हम में से कोई भी
सेफ नहीं रहेगा, हम कहीं भी हम इस महामारी को ख़त्म नहीं कर सकते, यानी कि अगर हमने इससे इसको ख़त्म करना है सिर्फ अमेरिका में नहीं बल्कि पूरे दुनिया में हमने काम करना है। तो इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास इस वक्त 60 मिलियन वैक्सीन डोसेज हैं, जो कि अभी ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस वक्त वो तैयार नहीं है, क्योंकि हमारे CDC और बाकी जो हमारे जो FDA है उन्होंने गौर से देखना है, करीब से उन्होंने देखना है कि ये क्या सेफ़ हैं और सब तैयार हैं। जब वो तैयार होंगे फ्यूचर में तो हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम इन वैक्सीन्स को दुनिया भर में हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। जहाँ तक रॉ मटेरियल्स का जो सप्लाई है, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स बात है, जो कि विदेश मंत्रालय का मैंडेट नहीं है, जो कि मेरा डिपार्टमेंट का, हम इतने हम डिटेल में नहीं जा सकते, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि जहाँ हमने देखा कि कहीं जो हमारे पॉलिसीज़ हैं वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ नहीं जुड़े हुए, वहाँ हमने तब्दील की है। लेकिन इसमें ज़रा से जो कोई फाइन पॉइंट यहाँ पे है वो ये है कि ऐसा कोई रुकावट या पाबंदी नहीं था सिर्फ रॉ मटेरियल्स में, हाँ बिल्कुल, बल्कि ये आप शायद कह सकते हैं कि वो उनका सप्लाई उस लेवल तक नहीं था, लेकिन शुरू में कई शायद सदर बाइडेन या राष्ट्रपति बाइडेन खुद ये कह चुके हैं कि जहाँ हम मदद दे सकते हैं वहाँ हम देंगे। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि भारत US जिस तरह की मैत्री है, जिस तरह का संवाद है, कई बार ये कहा जाता है कि दोनों तरफ के आइल में भारत के साथ जो इक्वेशन है हमेशा अच्छे रहे, चाहे वो डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन साइड हो, तो आगे जाकर ये मित्रता क्या आप क्या पाथ देखते हैं? कुछ इस पर फैसला हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी काफी समर्थन मिला है, US कांग्रेस की तरफ से भी भारत को काफी समर्थन मिला है इस समय। जी बिल्कुल अन्ना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये एक हम कह सकते हैं कि बाईपार्टिसन अग्रीमेंट है अमेरिका में, कि हमने मजबूत ताल्लुकात रखने हैं जो हमारे सहयोगी हैं, ख़ास तौर पर इंडिया। और अगर हम इसको ज़रा करीब से देखें, ये क्यों है, हमारे जो ताल्लुकात हैं, ये जो हमारे रिलेशंस हैं इंडिया के साथ इतने मजबूत क्यों हैं? वो यूँ हैं, इसलिए मजबूत हैं क्योंकि दोनों देशों जो हैं वो डेमोक्रेसीज़ हैं, और जब आप डेमोक्रेसीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो एक आपका ऐसा अंदाज जो है, एक आपका ऐसा जो ताल्लुकात हैं वो मजबूत ही रहते हैं, क्योंकि हमारे फाउंडेशंस ही वही हैं। तो अगर इसको ज़रा और से खुल के देखें, तो अगर हमने जितने भी, जैसे मैंने हमारे जो वैश्विक प्रायोरिटीज़ हैं अगर उनको ज़रा करीब से देखना है, COVID-19, क्लाइमेट चेंज, इंडो-पैसिफिक, इन तीनों को हम देखें तो इंडिया के बगैर हम कभी भी इन वैश्विक समस्याओं का सामना नहीं कर सकते। पहली बात तो यह कि अगर हम ग्लोबल वैक्सीन सप्लाई को देखें, इंडिया का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। अगर हम क्लाइमेट चेंज के बारे में देखें तो तीसरी नंबर पे जो क्लाइमेट एमिशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन हैं, वहाँ वो इंडिया के हैं। और इंडो पैसिफिक में अगर देखें, हमारे चार जो क्वाड पार्टनर्स हैं वो चार हैं, हम अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, क्योंकि हम खुद देख रहे हैं कि इंडिया का किरदार, जो रोल है इंडो पैसिफिक में, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मेरा यही ख्याल है कि फ्यूचर में चाहे जो भी हमारा अमेरिका में जो भी हमारे पार्टी हो पावर में, तो मेरे नहीं ख्याल कि इंडिया के जो हमारे मजबूत ताल्लुक आते हैं वो कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ मजबूत ही बनेंगे। और इस वक्त एक बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, ममता बनर्जी का पीएम को खत। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा है और खत लिखकर यह कहा जा रहा है कि वैक्सीन की मांग उनकी तरफ से उठाई गई है, ऑक्सीजन की भी मांग ममता बनर्जी ने की है। ममता बनर्जी, जिन्होंने आज तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, और कार्यभार संभालते ही ममता बनर्जी शपथ लेते ही ममता बनर्जी एक्शन में, कोरोना को लेकर उन्होंने चर्चा भी की। और इस सबके बीच जो बड़ी जानकारी मिल रही है वो ये कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिख दिया है और ये कहा है कि वैक्सीन मुहैया कराई जाए। इसके अलावा ऑक्सीजन की मांग भी उनकी तरफ से की गई है और जानकारी भी कि दवाओं की भी मांग उन्होंने उठाई है। तो पश्चिम बंगाल के लिए ये मांग, ऑक्सीजन, दवाएं और वैक्सीन की मांग ममता बनर्जी की तरफ से। बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, आज ही तीसरी बार सीएम पद की शपथ ली है और उसके बाद अब उनकी तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। चिट्ठी लिखकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की है कि पश्चिम बंगाल को जल्द से जल्द वैक्सीन, दवाएं और ऑक्सीजन मुहैया कराई जाए।
तो बंगाल के लिए वैक्सीन की मांग ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है। ममता बनर्जी का पीएम को खत और खत के जरिए ये मांग उठाई गई है, क्योंकि आपको बता दें पश्चिम बंगाल में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं और इस सबके बीच वैक्सीन को लेकर ममता बनर्जी पहले भी ये कहती रही हैं कि पर्याप्त वैक्सीन नहीं है, और इस बीच एक बार फिर से उनकी तरफ से मांग, इस बार ये मांग पीएम को खत लिखकर उन्होंने उठाई है। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। वैसे तो सबके सामने वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में मुहैया करवाने की बात और ऑक्सीजन को लेकर ममता बनर्जी कहती रही आशिका, लेकिन अब खत लिख दिया है, क्या कहा है उन्होंने पीएम से? देखिए, जो खत लिखा है पहले 24 तारीख को चिट्ठी लिख चुकी है ममता बनर्जी फरवरी में, उसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि वैक्सीन जो है वो काफी नहीं है सभी को देने के लिए, तो वैक्सीन की मांग की है। साथ ही साथ उन्होंने जो ऑक्सीजन और दवाइयां जो जरूरी दवाएं हैं जैसे रेमडेसिविर उसकी भी मांग की है। तो इसके पहले भी वो ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि कोविड से लड़ना ही उनकी पहली प्राथमिकता है, इसको लेकर के आज बैठक भी हुई है। और इसी बीच ये जो चिट्ठी सामने आई है इसमें पहले भी ममता बनर्जी कह चुकी हैं कि वैक्सीन राज्य में इतनी नहीं उपलब्ध है कि 18 प्लस की जो श्रेणी है उन लोगों को वैक्सीन दिया जा सके। शुक्रिया आशिका। और आइए कोरोना संकट के बीच अब आपको एक हैरान करने वाली तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर गुजरात के अहमदाबाद की है, जहां एक मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के लिए लोगों का हुजूम जुट गया। भीड़ इतनी ज्यादा कि वहां पैर तक रखने की जगह नहीं मिली। हैरानी की बात यह है कि कोरोना से बचने के लिए लोग मास्क तक लगाना भूल गए। सोशल डिस्टेंसिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। बताया जा रहा है कि दो गांव में पिछले 15 दिनों से एक भी कोरोना का मामला सामने नहीं आया था। ऐसे में लोगों ने मन्नत रखी थी अगर कोरोना गांव में खत्म होगा तो मंदिर पर जलाभिषेक करेंगे, और यही वजह देखिए गांव की महिलाएं मटके में पानी लेकर मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकल पड़ी। हालांकि इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की और इस मामले में 23 लोगों को किया है गिरफ्तार। तो 23 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है, मास्क नहीं लगाया हुआ था। जनक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अच्छी बात है जनक, यहाँ पर इस गांव में कोई मामला सामने नहीं आया, तब तो और एहतियात बरतनी चाहिए थी कि कम से कम मामला कोई आए ही ना, उसके बावजूद ऐसी लापरवाही कैसे हो सकती है? और फिर प्रशासन क्या कर रहा था, इतने लोग कैसे जुट गए? देखिए, ये प्रशासन को जब पता चला तो प्रशासन ने अपने हिसाब से कार्रवाई जरूर की, लेकिन लोगों को अपनी जिम्मेवारी भी समझनी होगी। जब सरकार बार बार या प्रशासन ये कह रहा है कि लोगों को एक साथ नहीं उमड़ना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, तब जाके आप इस तरीके से अंधश्रद्धा में बहकर इस तरीके से पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो जाए। और आप देखिए, ना तो किसी ने मास्क पहना है, ना सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, इसके लिए कोई इजाजत भी नहीं ली गई थी प्रशासन से। लेकिन जैसे ही ये जब घटना हुई उसकी जानकारी प्रशासन को मिली तो उसके बाद मौके पर पहुंचे, तब तक ये कार्यक्रम खत्म। पर जनक मेरा सवाल तो ये है कि जब यहाँ पर सख्ती है, लगातार कर्फ्यू लगा हुआ है, फिर ऐसा कैसे हो गया? अब एकदम से तो ये पूरी भीड़ निकल कर आई नहीं होगी, पहले बातचीत हुई होगी, प्लानिंग बनी होगी, आयोजन हुआ होगा, एक एक कर ये तमाम लोग सड़कों पर निकले होंगे ना, तो उस दौरान प्रशासन ने क्यों नहीं रोका? पुलिस क्या कर रही थी? सवाल ये है। देखिए, ये ग्रामीण इलाका है, जो हर गांव में पुलिस थाना नहीं होता। जब जिले की पुलिस वहां पर पहुंची तब तक ये कार्यक्रम खत्म हो चुका था, केवल 1-1.5 घंटे का कार्यक्रम था। पर जब लोग अपने हिसाब से, इन्होंने गांव के सरपंच को ये जिम्मेवारी लेनी चाहिए थी कि इस तरीके कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, जिला प्रशासन ने बार बार इस तरीके से सचेत किया था, बावजूद लोगों को भी अपनी जिम्मेवारी समझनी होगी। प्रशासन हर बार हर चीज डंडे से नहीं काम करा सकती, ऐसे में लोग अपनी जिम्मेवारी समझ कर आ गया ये जरूरी है। 15 दिन तक मामला नहीं आया, ये अच्छी बात रही, ये लोगों के प्रयासों के चलते और प्रशासन के प्रयासों के चलते हुआ। लेकिन अब लोग इकट्ठा होंगे और इसमें अगर संक्रमण फैलता है तो वापस वही की वही इसकी नौबत आएगी, ये रोकना होगा। और इसके बाद बिल्कुल सरकार ने भी बिल्कुल दूसरा पहलू वो भी है कि मैन पावर की वैसे ही कमी है, और ऐसे में लगातार पिछले काफी दिनों से जो हालात बने हुए हैं गुजरात में भी लगातार मामले बढ़ रहे हैं, मैन पावर की कमी है, पुलिस कहां कहां तक रोकेगी? लोगों को भी जिम्मेदारी समझनी होगी। लेकिन हैरानी की बात है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर आ गए और किसी ने भी आपस में ये समझने की और सोचने की कोशिश नहीं की कि अगर इस तरह बिना मास्क के, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के निकलेंगे तो फिर क्या हालात बनेंगे। और अब बात कोरोना काल में महामारी से बेहाल लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह की। जैसे ही आप कोरोना से संबंधित किसी भी चीज की डिमांड सोशल मीडिया पर करते हैं तो मुनाफाखोर और लुटेरे गिद्ध सक्रिय हो जाते हैं, वो ऑनलाइन ठगी का जाल बिछाते हैं और जरूरतमंद लोग उसमें फंस जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सोशल मीडिया पर मदद के नाम पर सभी लोग ऐसा कर रहे हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जो महामारी से पीड़ित लोगों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं, इसलिए हम उन्हें इंसान नहीं बल्कि कोरोना काल के गिद्ध कह रहे हैं।
वायरस आया गिद्ध लाया। न्यूज 18 पर महामारी के गिद्ध बेनकाब। देश कोरोना मरीजों से और हर रोज बढ़ते मौत के आंकड़ों से बेहाल है, लेकिन लगता है कि मुनाफा खोरों के गिरोह लोगों का हर जगह एक तरह से पीछा कर रहे हैं। दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को लूटने की ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिसने पुलिस को भी हैरान कर दिया है। जिस तरह पुलिस कोरोना मरीजों को लूटने वालों के खिलाफ मुहिम चला रही है, उसी तरह न्यूज 18 भी कोरोना की दवा और मेडिकल उपकरण के नाम पर मजबूर लोगों से ठगी करने वालों का पर्दाफाश कर रहा है। आज हम आपको दिल्ली में कोरोना पीड़ितों को दवा और ऑक्सीजन के नाम पर ऑनलाइन ठगी की हैरान करने वाली घटनाओं का सच दिखाते हैं। साउथ दिल्ली में कोरोना मरीज के परिवार वालों को इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर हजारों रुपए ठग लिए गए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने रेमडेसिविर के नाम पर कोरोना पीड़ित परिवार से 20,000 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले को गिरफ्तार किया है। कोरोना से जुड़ी ऑनलाइन ठगी की ये दोनों घटनाएं बेहद हैरान करने वाली हैं। कोरोना महामारी में सड़क से लेकर इंटरनेट तक हर जगह इंसान के रूप में कुछ मुनाफाखोर गिद्ध भी हैं जिन्हें न्यूज 18 लगातार बेनकाब कर रहा है। दिल्ली पुलिस ने कोरोना मरीजों को ऑनलाइन लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। साउथ मुंबई में रहने वाले एक युवक से रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर की होम डिलीवरी के नाम पर ठगों ने हजारों रुपए पहले अकाउंट में ट्रांसफर कराए और बाद में पता चला कि ये करतूत झारखंड में बैठे ठगों की है। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के मुताबिक साउथ दिल्ली में कोरोना पीड़ित परिवार को झारखंड में बैठे शख्स ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठग लिया। पुलिस ने कोरोना की दवाओं और मेडिकल संसाधनों को लेकर ऑनलाइन ठगी के मामले में जांच शुरू की तो कई हैरान करने वाली बातें सामने आई, क्योंकि ये ठगी दिल्ली से बहुत दूर झारखंड से हो रही थी। साउथ दिल्ली की मोहित गुप्ता ने FIR लिखवाई। मोहित ने रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन का ऑर्डर दिया। ठगों ने करीब 50,000 रुपए अपने खाते में मंगवाए। मोहित ने रुपए ट्रांसफर कर दिए। रुपए ट्रांसफर होते ही ठग ने फोन बंद कर दिया। मोहित ने पुलिस को बताया तो खातों की जांच हुई। पुलिस के मुताबिक फर्जीवाड़े के लिए दिल्ली NCR में 5 खाते खुलवाए गए। पुलिस ने ठगी करने वाले सर्वेश और रोहित को गिरफ्तार किया है। कोरोना दवाओं के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह के बाकी लोगों की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है कि कोरोना मरीजों की जरूरत की चीजों को लेकर पैनिक न करें। ऑनलाइन खरीदारी बहुत सोच समझ कर और हर चीज की पड़ताल के बाद ही करें। दिल्ली में रहने वाले सत्य प्रकाश को कुछ दिनों पहले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सख्त जरूरत थी। अपने रिश्तेदार के लिए उन्हें जब अस्पतालों से रेमडेसिविर नहीं मिला तो उन्होंने ट्विटर पर एक नंबर देखा और ऑनलाइन बुकिंग कर दी। कोरोना काल के ऑनलाइन ठग इसी गलती का इंतजार कर रहे थे। ट्विटर पर रेमडेसिविर के लिए मोबाइल नंबर दिया गया था। फोन करने पर जवाब मिला कि ऑनलाइन भुगतान करना होगा। सत्य प्रकाश ने बताए गए खाते में 20,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। पैसे ट्रांसफर होते ही मोबाइल नंबर बंद हो गया। बाद में मालूम हुआ कि रेमडेसिविर के नाम पर ठगी हो गई। कोरोना की मेडिसिन के लिए रेमडेसिविर चाहिए था, मैं सर्च कर रहा था तो अचानक मेरे को एक बंदे ने ट्वीट किया था, उस बंदे की ये बंदा सिप्ला डिस्ट्रीब्यूटर है, इसके पास अवेलेबल है। मैं बंदे को इमिडिएटली कॉल किया, उसने बोला हाँ जी मैं सिप्ला का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, ये हमारा अकाउंट नंबर है सिप्ला प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। उन्होंने अकाउंट नंबर दिया और उस अकाउंट नंबर पे मैंने उसी समय 6 बालू का पैसे 3,200 रुपए प्रति बालू के हिसाब से उसे पेमेंट ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, उसके बाद हम उससे उस बंदे से फॉलो अप करते रहे, फिर भी वो बंदा बोलता है सर वेट कीजिए आपका हमारा बंदा फोन करेगा सर। बट जैसे ही 4 बज गए तो हमें लगा कि ये तो लगता है फ्रॉड है, नहीं आएगा। देन इमिडिएटली साइबर सेल को, दिल्ली साइबर सेल को फोन किया, साइबर सेल में हमने कंप्लेन लिखवाया एंड उस कंप्लेन के बेसिस पे उस बंदे का अकाउंट जो तुंगी ब्रांच बिहार शरीफ में था, उस बंदे का अकाउंट को ब्लॉक कर दिया। दिल्ली पुलिस की साइबर सेल और क्राइम टीम मिलकर
कोरोना के नाम पर ऑनलाइन ठगी करने वालों की कड़ी निगरानी कर रही है। हर शिकायत पर संबंधित राज्यों से संपर्क करके कोरोना काल के गिद्धों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो रही है। कोरोना संक्रमण के इस दूसरे दौर में जिस तरीके से रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग बढ़ी है, उसके बाद इससे जुड़ी नकली फैक्ट्रियां देश भर के कोने कोने में उभर कर आई हैं। इसको महंगे दामों में बेचा जा रहा है और ऑनलाइन माध्यम से इसकी ठगी की जा रही है। बार बार इस बाबत केंद्र सरकार निर्देश देती है, लेकिन अब विचार इस पर भी चल रहा है कि इससे जुड़ा जरूरी कानून बने, सख्त कानून बने, ताकि आरोपियों के खिलाफ पुख्ता कार्रवाई हो। दिल्ली के पास नोएडा सेक्टर 58 में पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी कोरोना पीड़ितों से काला बाजारी करता था। ऑक्सीजन मास्क से लेकर ऑक्सीजन रेगुलेटर तक कई गुना कीमत पर बेचकर मुनाफाखोरी कर रहा था। पुलिस ने इसके कब्जे से 6 हाई प्रेशर ऑक्सीजन रेगुलेटर, 20 ऑक्सीजन मास्क, एक कार और 7,500 रुपए कैश बरामद किया है। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के बीच जरूरी दवाओं और मेडिकल उपकरण के कालाबाजारी की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। मुनाफाखोर गिद्धों को हर चीज में काली कमाई का मौका नजर आता है। दिल्ली के पास नोएडा में ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोरोना मरीजों की जरूरत की एक एक चीज को 4 गुना दामों में बेचने वालों का पुलिस अब कानूनी रूप से इलाज कर रही है। नोएडा पुलिस के मुताबिक कोरोना के इलाज से जुड़ी चीजों की कालाबाजारी करने वाले का नाम गौरव है। ये हापुड़ से ऑक्सीजन रेगुलेटर और ऑक्सीजन मास्क लाकर नोएडा और दिल्ली में कालाबाजारी करता था। शिकायत मिली थी कि एक व्यक्ति सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में किसी जगह पर जो ऑक्सीजन मास्क होते हैं और ऑक्सीजन रेगुलेटर होते हैं वो कहीं से खरीद करके लाया है या कहीं से प्रोक्योर किया है और उसको काफ़ी एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पे, काफ़ी ऊंचे दाम पर बेच रहा है और ये कालाबाजारी कर रहा है। इस ब्लैक मार्केटिंग की सूचना पर तत्काल हमारी टीम गई और वहाँ पर हम लोगों ने उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है। कोरोना पीड़ित परिवार अपनों को बचाने के लिए मुसीबत में कालाबाजारियों से चीजें खरीदने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन न्यूज 18 ये अपील करता है कि कालाबाजारी करने वालों को उनकी सही जगह यानी जेल पहुंचाने में पुलिस की मदद करें, क्योंकि ये लोग कोरोना काल में इंसानों के नाम पर सबसे बड़े गिद्ध हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई कब तक और कैसे दुरुस्त होगी। सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और ऐसे में आम लोगों का क्या होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि आखिर हालात कैसे बेहतर होंगे। केंद्र सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि उनके पास कंटेनर की कमी है जिसकी वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई पर असर पड़ रहा है और इस पर कोर्ट ने कहा कि टैंकर की संख्या बढ़ाने के लिए केंद्र अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कर सकता है। तो ये ऑक्सीजन पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई और कई कड़े सवाल केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये पूछा, दिल्ली में ऑक्सीजन कब दुरुस्त होगी सप्लाई ऑक्सीजन की। और साथ ही सुनवाई के दौरान जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि हालात इतने खराब है कि हम खुद को असहाय महसूस कर रहे हैं और ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो आम लोग हैं, जो दिल्ली के लोग हैं, उनका क्या हाल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से यह भी पूछा है कि अब बताइए कि आखिर हालात कैसे बेहतर होंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील, केंद्र सरकार के वकील ने हालांकि कोर्ट को यह बताया कि उनके पास कंटेनर नहीं है और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि टैंकर की संख्या को बढ़ाया जाए, जो कंटेनर है उनकी संख्या को बढ़ाया जाए और इसके लिए केंद्र अपने इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल भी कर सकता है। विक्रांत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विक्रांत, क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? अभी कोर्ट में अब 4 बजे सुनवाई होगी और उस समय सुप्रीम कोर्ट को बताना पड़ेगा सरकार को, केंद्र सरकार को, कि दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई कब और कैसे हो सकेगी। कोर्ट की जो एमिकस क्यूरी थी मीनाक्षी अरोड़ा, उन्होंने ये कहा कि सिर्फ 700 मीट्रिक टन की बात नहीं है, कुछ स्टॉक करके भी दिल्ली में रखना पड़ेगा ताकि अगर किसी राज्य को जरूरत पड़े तो वो भी दी जा सके। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कड़ी टिप्पणी की गई कि सच्चाई ये है कि लोग ऑक्सीजन की कमी के कारण मर रहे हैं, आप सोल्यूशन बताइए, कहीं मैनेजमेंट में या सिस्टम में फेलियर है तो उसे देखिए। ये जस्टिस MR शाह की तरफ से कहा गया। जस्टिस
चंद्रचूड ने कहा कि आप जो दिल्ली को 550 मीट्रिक टन दे रहे हैं वो कम है, वकील लोग हमें फोन करके रो रहे हैं, प्लीज कुछ जल्दी कीजिए, हमें सिर्फ अस्पतालों को ऑक्सीजन के बारे में नहीं सोचना, हजारों लोग ऑक्सीजन अस्पतालों के बाहर है, उन्हें भी ऑक्सीजन चाहिए, उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा। तो ये सारी हियरिंग अभी चल रही है और अभी कोर्ट में 4 बजे के करीब इसमें सुनवाई होगी। और केंद्र सरकार के अधिकारी, केंद्र सरकार की तरफ से अधिकारी पीयूष गोयल मौजूद थे, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को कि हमें कुछ कंटेनर की कमी है और हम यहाँ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि आपको टेंडर करने की जरूरत नहीं है, उससे टाइम खराब होगा, आप अपनी इमरजेंसी पावर का इस्तेमाल कीजिए। वही विक्रांत वही आपसे सवाल। और इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, पहले बंगाल में आंशिक लॉकडाउन, शादी में 50 लोगों को मंजूरी, ये फैसला वहां की राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। बंगाल में आंशिक लॉकडाउन लगाने की बात कही जा रही है, शादी में 50 लोगों को ही शामिल होने की मंजूरी दी गई, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी लगातार मामले सामने आ रहे हैं। और इस सब के बीच राज्य सरकार की तरफ से ये भी कहा गया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम को चिट्ठी भी लिखी है, कहा है कि ऑक्सीजन दीजिए, वैक्सीन दीजिए, इसके अलावा दवाओं की भी मांग की गई है। और अब ये जानकारी की शपथ लेती है ममता बनर्जी की तरफ से, आंशिक लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है, ममता बनर्जी की तरफ से आंशिक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। और इसमें जो नियम लगाए गए हैं उसके मुताबिक शादी में 50 लोगों के ही शामिल होने की बात है, मॉल शॉपिंग सेंटर को बंद करने का ऐलान कर दिया गया, यानी इस आंशिक लॉकडाउन में जिम नहीं खुलेंगे, शॉपिंग मॉल्स बंद रहेंगे और शादी समारोह अगर होते तो सिर्फ 50 लोग ही उसमें शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई है कि ये जो आंशिक लॉकडाउन लगाया गया है ये कब तक के लिए लगाया गया है। फिलहाल हमारे सहयोगी आशिका हमारे साथ जुड़ गई है, आंशिक लॉकडाउन कब तक आशिका, और क्या ऐलान किया गया है, क्या नियम बताए गए हैं? देखिए अब से पिछले हफ्ते शनिवार को भी राज्य सरकार ने ये आंशिक तौर पर लॉकडाउन जो है इसकी घोषणा की थी, उसमें कुछ और बढ़त जैसे कि सोशल और पॉलिटिकल गैदरिंग जो है वो उनको उन पर रोक लगा दी गई है, पॉलिटिकल गैदरिंग बिल्कुल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, सोशल गैदरिंग अनुमति लेकर ही 50 लोग उसमें जा सकेंगे जिसमें पूजा पाठ या शादी शामिल है। और इसके अलावा दुकानों का समय जो तय किया गया है खोलने का वो सुबह 7 से 10 और शाम को 3 से 5 का समय तय किया गया है, गवर्नमेंट ऑफिसेज में 50% कैपेसिटी ही रहेगी और साथ ही यही प्राइवेट सेक्टर को भी कहा गया है कि वो भी 50% की कैपेसिटी में काम करें। फ्लाइट से जो लोग आ रहे हैं 7 तारीख के बाद सभी को मैंडेटरी होगा हर स्टेट के बाहर से आने वालों को कि वो RT-PCR की 72 घंटे के भीतर की रिपोर्ट लेकर के आए जिसकी जांच भी एयरपोर्ट पे की जाएगी। और ट्रेन और बस से दूसरे राज्यों से आने वालों को भी RT-PCR की जो टेस्ट रिपोर्ट है वो लेकर आना पड़ेगा। कल से लोकल ट्रेनें बंद की जा रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो 50% ही चलाया जाएगा। तो ये बड़ा निर्णय राज्य सरकार का कोविड परिस्थिति के मद्देनजर आज पहली मीटिंग ममता बनर्जी की रही जिसके बाद ये घोषणाएं। शुक्रिया आशिका।